यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रियंका चोपड़ा अब ग्लोबल सेलिब्रिटीज के तौर पर जानी जाती हैं। उन्होंने ना सिर्फ अमेरिकन जगत पर दस्तक दी बल्कि हॉलीवुड में भी वे अपने करियर की शुरुआत कर चुकी हैं, जो प्रियंका के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। प्रियंका चोपड़ा ने पिछले दिनों हॉलीवुड फिल्म बेवॉच की थी, इसके लिए वे काफी चर्चा में भी रही, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अब ये फिल्म 38वें एनुअल गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड में वर्स्ट फिल्म ऑफ द ईयर की कैटेगरी में नामित हुई है। प्रियंका ने इसमें विलेन विक्टोरिया का किरदार निभाया। भारत में भी बेवॉच का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। इस फिल्म ने कुल 10 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे, जबकि ये 948 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। भले ही प्रियंका की ये फिल्म असफल साबित हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हॉलीवुड में काम की कमी हो। इसके बाद उन्हें दो फिल्म मिली। पहली फिल्म अ किड लाइक जैक, जिसकी शूटिंग वे जल्द ही शुरू करेंगी, और दूसरी इज नाइट इट रोमांटिक, जो उनके शेड्यूल में है।